सेविंग हम सबकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हम जितना कमाते हैं उसमें से कुछ भाग बचाकर अपने फ्यूचर की जरूरतों और सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन ज्यादा बचत करता है, एक आदमी या एक औरत? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और अवेयरनेस के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे चल रही हैं, और ये आंकड़ों का उछाल साल 2020 के बाद से देखा गया है। केवल साल 2023 में ही 41% नए निवेशक महिलाएं हैं। महिलाएं बचत के लिए SIP पर ज्यादा भरोसा करती हैं। 71% से ज्यादा महिलाएं 5 साल से अधिक समय तक किसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहती हैं। 44% महिलाएं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश करती हैं। वहीं 35% महिलाएं अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निवेश और बचत करती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बचत का रुझान बहुत ही अर्ली एज से उनमें दिखने लगता है। 39.3% महिलाएं अपनी अर्ली 20s से ही निवेश करना शुरू कर देती हैं। और तो और 41% महिलाएं अपनी 30 की उम्र के बाद से निवेश शुरू करती हैं। ये आंकड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी फाइनेंस की तरफ से जारी करे गए हैं। आपको बता दें कि औसत मासिक निवेश में एक महिला 14,347 रुपीस के करीब की SIP करती है, वहीं एक पुरुष 13,704 रुपीस की SIP करता है। निवेश शुरू करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे आपकी निवेश रणनीति एकदम सही बैठेगी वो है 50-30-20 का रूल। ये रूल आपको बचत के बाद बची हुई इनकम को सेव करते हुए इमरजेंसी फंड और तो और रिटायरमेंट फंड बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए देर किस बात की, इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। सबसे पहले 50% आपकी इनकम का जाना चाहिए आपकी जरूरतों पर, यानी एसेंशियल एक्सपेंसेस पर, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पर, रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, इन सब पर। उसके बाद 30% आपकी इनकम का जाना चाहिए आपकी वॉन्ट पर, यानी इच्छाओं पर, जैसे मूवी देखने जाना है, कोई हॉबी, या फिर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उसके लिए। फिर बचा हुआ 20% आपके सेविंग में एलोकेट करना है, चाहे वो SIP हो, RD हो, FD हो या कोई भी हो, ये सेविंग आपके लिए सही समय पर यूज हो सकेंगे। तो आप इस वीडियो को उन सभी जरूरतमंद महिलाओं या फिर आपकी लाइफ में जो भी महिलाएं हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी सेविंग शुरू कर सके। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।